मस्कार नमस्कार नमस्कार दिस इज भीमकस मेहर आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अनकेडमी स्टूडियो लैथ्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी टूडे इज टेंथ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी 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 एंड एज एवरीबडी नोज टूडे इज द ह्यूमन राइट डे यूनाइटेड जनरल नेशन जनरल असेंबली ने नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी एट में उसको एडॉप्ट किया था ह्यूमन राइट को और इसलिए उसको ह्यूमन राइट right के हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसको मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है ठीक है मानव अधिकार जैसे कि हम लोग बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट एंड स्टेट ह्यूमन राइट तो ह्यूमन राइट right का मतलब क्या है मानव अधिकार का मानव अधिकार संबंधित राष्ट्रीय आयोग ये मानव अधिकार होता है क्या है दिस राइट डील्स विद द लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिव्यूंगा तो नेशनल ह्यूमन राइट और स्टेट ह्यूमन राइट दोनों अलग अलग है आपके किताब में, बट उसको मैं एक साथ कंबाइल करके कर रहा हूं ताकि आप नेशनल ह्यूमन राइट को भी समझ सको और स्टेट ह्यूमन राइट को भी समझ सको हालांकि मैं बता दू नाइंटी परसेंट चीजें जो नेशनल ह्यूमन राइट का जो फंक्शन है जो कम्पोजिशंस है जो रोल है एंड जो कार्य है वो सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट खाली फर्क इतना हो जाते हैं अपॉइंटमेंट के मामले में ये प्रेसिडेंट यहाँ पर गवर्नर यहाँ पर हेड होते हैं देन अगेन जो मैं बताऊंगा सारा चीज़ें बताऊँगा ठीक है दोनों क्वाइट सिमिलर हैं बट एनी वे बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस एक हम लोग सीरीज कर रहे हैं इकोनॉमिक का सीरीज और इंडियन पॉलिटिक का सीरीज चल रहा है तो इकोनॉमिक का सीरीज में देखिए चार बजे से पाँच बजे तक जो है आपका इकोनॉमिक का सीरीज चल रहा है विद इन फोर्टी फाइव डेज कवर द इकोनॉमिक पोर्शन एंड आठ बजे से नौ बजे का जो सीरीज चल रहा है इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रहा है एंड विद इन फोर्टी फाइव डेज फोर्टी फाइव डेज के अंदर इंडियन पॉलिटी का सीरीज जो है यहाँ पर मैं खत्म करने वाला हूँ उसके साथ साथ पॉलिटी का क्विज भी चल रहा है दस बजे से लेकर ग्यारह बजे कहाँ पर चल रहा है अनएकेडमी ऐप में चल रहा है और यहाँ ये कंप्लीटली फ्री क्लासेस से ध्यान रखना अनएकेडेमी ऐप पर और फ्री पी डी एफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगे फ्री पी डी एफ भी आपको पर मिल जाएंगे क्लियर है पॉइंट अब देखो सब्सक्रिप्शन के फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा फायदा है कि डेली बेसिस पे आप क्लास मिल सकता है एंड वाट आवर द डाउट यू हैव हर एक तीन क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं यू कैन सॉल्व योर डाउट और यू कैन ऑल्सो सॉल्व योर डाउट इंस्टेंटली लाइव में उसके साथ साथ प्री रिकॉर्डिंग वीडियोज़ रहेगा अगर मान के चलो आपका इंटरनेट काम भी नहीं कर रहा है तब भी आप देख सकते हो रिकॉर्ड मतलब उसको डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हो एंड अनलिमिटेड एसेस टू द प्लस कोर्सेस प्लस कोर्सेज में जितने भी फैकल्टी हैं हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करंट अफेयर्स सभी फैकल्टी का सभी वीडियोस आप देख सकते हो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कोई भी बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो टेस्ट सीरीज होगा मॉक टेस्ट होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे आपको फायदा होंगे देखो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर कोर्स होगा पूरा सिस्टमेटिक कोर्स होगा आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा लाइव टेस्ट क्वीज होंगे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अनलिमिटेड एक्सेस हर एक वीडियोज आप देख सकते हो चीजें जो है हाँ आपको करना क्या है देखो अन एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए देखो एक तो चीज़ें है आपको यहां पर बहुत सारे चीजें मिलेंगे और कैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं क्लियर है पॉइंट देन उसके बाद जो है दीज आर द टॉप एजुकेटर एजुकेटेड द पार्ट ऑफ अन एकेडमी ठीक है अबाउट मी सेल्फ माइ मेहर पास आउट फ्रॉम डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय ठीक है एंड कुछ भी क्वेरीज है कुछ भी है तो आप यहां पर मुझे डायरेक्टली कंडक्ट कर सकते हो कुछ भी डाउट है कुछ भी क्वेरी है विदाउट हेजिटेशन बिंदास आप मुझे कंडक्ट कर सकते हो अन एकेडमी एट द रेट मेहर के नाम पे ये मेरा टेलीग्राम ऐप है इस पर जुड़िए आपको फ्री पी वगैरह मिल जाएंगे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड ठीक है उसमें आप जुड़िए क्लियर है पॉइंट देन उसके बाद जो है फीस की बात कर देता हूं देखिए एक साल ये दिस इज माई रिफरल कोड बी एम लाइव ये मेरा रिफरल कोड है जिसमें आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा चाहे किसी भी कोर्स में ले लीजिए यूपीएससी एस सी एस सी एस एस सी सी डी एस किसी भी कोर्स में 10 परसेंट का आपको बी एम लाइव में डिस्काउंट मिलेगा ठीक है एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है एक साल का फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी दो साल का जो सब्सक्रिप्शन है 64,800 और तीन साल का जो सब्सक्रिप्शन है 81,000 और सबसे बढ़िया चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों के लिए आइकेनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट आइकेनिक सब्सक्रिप्शन इसलिए बेस्ट है क्योंकि दोज वर स्टेइंग इन द रूरल एरिया उनके लिए एक स्पेशल मेंटर मिलते हैं मेंटर के साथ आपको गाइड कर दिए जाते हैं मतलब घर बैठे बैठे दिल्ली के फैकल्टी का आप फायदा उठा सकते हैं मतलब आई बहुत इजीली आप बन सकते हैं उसका फीस देखो एक साल का आपको पड़ेगा 62,550, 62,000 और दो साल का आपको पड़ेगा 96,300 और ये भी रिफरल कोड है बी एम जिसमें आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है ठीक है दिस इज माय रिफरल कोड यू कैन यूज दिस कोड फॉर 10 परसेंट डिस्काउंट इन एनी कोर्सेज और इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एडमिशंस रिलेटेड टू एनी रिलेटेड टू ऑप्शनल कुछ भी चीजों में आप कंफ्यूज होते हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मेंस की तैयारी कैसे करनी है प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है ऑप्शनल कैसे चूज करना है एवरीथिंग यू कैन कंटैक्ट इन दिस अन एकेडमी एट द रेट कश्मीर के नाम पे क्लियर है पॉइंट तो ये था अब देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा दिस इज ह्यूमन राइट ठीक है ह्यूमन राइट right. So, आज टेंथ दिसंबर है और टेंथ दिसंबर जो है ह्यूमन राइट डे है टेंथ दिसंबर इज द ह्यूमन राइट डे ठीक है आज टेंथ दिसंबर है और टेंथ दिसंबर इज द ह्यूमन राइट डे ध्यान रखना आज का जो दिन है टेंथ दिसंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं ह्यूमन राइट डे आज का दिन ह्यूमन राइट डे है और ये इटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1948 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड में नेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है एंड ह्यूमन राइट मानव अधिकार मानव अधिकार संबंधित हम लोगों का जो है एक है देखो नेशनल ह्यूमन राइट है एन एच आर सी नेशनल ह्यूमन राइट एन एच आर सी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसके बाद है एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है मानव अधिकार का मतलब क्या होता है दिस डील विद द लाइफ दिस विद डील विद द लाइफ लिबर्टी लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल ठीक है ध्यान रखना तो दिस ह्यूमन राइट डील विदर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मैं बताऊंगा यह सब चीजें ब्रडर प्रस्पेक्टिव में बताऊंगा कि लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी डिग्निटी ये सब क्या चीजें हैं और किस प्रकार से ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट किस प्रकार से काम करती है स्टेट ह्यूमन राइट किस प्रकार से काम करती है आज का वीडियो देखने के बाद ह्यूमन राइट पे स्टेट या नेशनल पे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है दिस विल बी मोर देन सफिशियंट ठीक है लेट्स स्टार्ट द टॉपिक तो देखो पहला चीज तो है यह है स्टेटरी बॉडीज देखो एक होती है मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही क्लासेस में एक होता है कंस्टिट्यूशनल बॉडीज कंस्टिट्यूशनल बॉडीज कंस्टिट्यूशनल बॉडी का सिंपल मीनिंग ये है कि दोज विच आर पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूशन आर नोन एज कंस्टिट्यूशनल बॉडी जो संविधान का हिस्सा होते हैं जिसका अनुच्छेद में वर्णित होता है दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टेटरी बॉडीज मतलब जो संविधान में नहीं होता है उसका अलग से जो एक्ट आती है उसको स्टेटरी बॉडीज कहा जाता है तो ध्यान रखना सो दिस इज ह्यूमन राइट नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है स्टेटरी बॉडीज है और उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब नाइनटीन में थ्री हुआ था नाइनटीन में एंड अंडर ए लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाई द पार्लियामेंट नेमली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 तो इनिशियली जो हुआ था दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 तो प्रोटेक्शन हर एक चीज में देखो प्रोटेक्शन ह्यूमन मानव आप मानव ही हो ठीक है सब लोग हम लोग मानव ही हैं आपको तो जो हम लोगों का राइट है उसके बारे में ये बात करती है जैसे कि आपका आप कहीं पर जॉब कर रहे हो वहां पर कोई आपको एक्सप्लोइेशन तो नहीं कर रहा है जैसे कि कोई बॉन्डेड लेबर है कोई लेबर है जैसे कि पहले क्या होता था बॉन्डेड लेबर होती थी उनको जो है पूरी तरह से सुबह छः बजे से लेकर रात के ग्यारह बजे तक काम करवाते थे इट्स ए काइंड ऑफ एक्सपर्टेशन जो कि मतलब हम लोग का फंडामेंटल राइट right में भी है तो बॉन्डेड लेबर इज ऑल्सो मतलब एक तरफ से एक्सपर्टेशन है आपका ह्यूमन मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो चाहे किसी भी फिल्म में चाहे सर्विस में हो और ऐसा भी नहीं है कि खाली ह्यूमन बींग जो मतलब जो जेल के अंदर हैं उनको भी ठीक से सर्विस कंडीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी ह्यूमन राइट right में आएगा मतलब हर एक एस्पेक्ट पे चाहे सोशली चाहे जैसे कि एट्रोसिटी की बात करें चाहे नेशनल कमीशन फॉर एस की बात करें नेशनल कमीशन फॉर एस की बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात करें महिलाओं के बारे में इम्पीचमेंट के बारे में मतलब जो एक्सपर्टेशन होती हैं उनके बारे में बात करें ह्यूमन ट्राफिकिंग के बारे में बात करें चाइल्ड लेबर के बारे में बात करें बॉन्डेड लेबर के बारे में बात करें द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक से संबंधित अगर कोई एक्सप्लोर्टेशन हो रहा है उसके रिलेटेड बात करें प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट चाइल्ड एक्ट के प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो ये सब चीज़ें नेशनल कमीशन फॉर एस नेशनल कमीशन फॉर एस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट तो ये चाहे चाइल्ड राइट से लेकर वुमेन राइट से लेकर माइनॉरिटीज राइट से लेकर एस सी राइट्स से लेकर एस किसी भी प्रकार का एट्रोसिटी किसी भी प्रकार का हनन हो रहा है आपके लाइफ के साथ तो आप जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे जा सकते हैं या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे जा सकते हैं मतलब जो आपका मानव का अधिकार है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपका जो अधिकार है एज ए ह्यूमन बींग आपका जो अधिकार है उसी अधिकार का अगर हनन हो रहा है ऑफ वायलेशन अगेंस्ट योर ह्यूमन राइट यू कैन अपील टू द ह्यूमन राइट यू कैन गो टू ह्यूमन राइट तो ये ये जो चीजें है देखो इसलिए उसको कहा गया है दिस इज नोन एज वाच ऑफ द ह्यूमन राइट इन द दंट्री वाचडॉक का मतलब क्या है जैसे कि यूपीएससी के बारे में ये वर्ड आपने सुना होगा यूपीएससी यूनियन सब सर्विस कमीशन इज द वाचड ऑफ द मेरिट 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 सिस्टम इन इंडिया मतलब क्या था यूपीएससी जो है मतलब पूरी तरह से देखरेख करेगा कि मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस प्रकार से ह्यूमन राइट right यहां पर वाचडॉक ऑफ द ह्यूमन राइट तो जो मैंने बात की थी कि प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन महिलाओं का सुरक्षा महिलाओं का मतलब जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं बॉन्डेड लेबर की एस सी एस टी की बात करें तो ये जो ह्यूमन राइट right है हम लोग का उसको प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है और दिस ऑल्सो लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल आप देख सकते हो लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये चीजें पे जो है ह्यूमन राइट right काम करती है और देखो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूँ ह्यूमन राइट का कि टू स्टैंड इन द इंस्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट इशूज थ्रो हिच ह्यूमन राइट इशूज कुड बी एड्रेस इन दियर एंटिटी एंड एंटिटी इन ए मोर फोकस्ड मैनर मतलब यहाँ पर कोशिश की गई है कि ह्यूमन राइट right का किसी भी प्रकार का वायलेंसन हो एक उसको फोकस तरीके से आप उसको दे सकते हो उसके साथ साथ देखो लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ द एक्सेस मतलब किसी भी प्रकार का एलिगेशंस हो किसी भी प्रकार का चीजें हो ठीक है मतलब इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट और इन ए मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवमेंट कमिटमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट ठीक है तो किसी भी प्रकार का एलिगेशंस है तो उस उसके ऊपर देखा जा सकता है उसके साथ साथ आप देख सकते हो टू कंप्लीमेंट एंड स्टेंडेन द एफर्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन द डायरेक्शंस तो उसका पर्पस ही ये है कि किस प्रकार से जो है चीजों को बेहतर बनाया जा सके लोगों को अपना राइट दे दिया जा सके लोगों को अपना जो है जो हक है वो मिले ठीक है उस चीज पे ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है काम करती है अगर मैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूं जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कितना था 1993 था सेम ईयर में देखो स्टेट ह्यूमन राइट का भी गठन जो है 1993 में हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एट द स्टेट लेवल तो तो सेंट्रल लेवल पे उसको कहा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट लेवल पे उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है हालांकि ध्यान रखना कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिस चीज पे डील कर रहा होता है उस एग्जैक्टली exactly उस काम पे स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता हालांकि स्टेट में कुछ चीजें होती है वो सेंटर को आप पास कर सकते हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वाला चीजें है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे, दे देता है उसको स्टेट जो हाई कोर्ट जो है चैलेंज नहीं कर सकता हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेंज नहीं कर सकता इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट जो है सुपीरियर है स्टेट ह्यूमन राइट जो है उसके नीचे आता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कोई भी जजमेंट दे रहा है किसी भी इंटरफेयर कर रहा है किसी भी चीजों पे तो उस पर स्टेट जो है अपना काम नहीं कर सकता बट स्टेट का एक अलग से रखा गया है मैं बताऊंगा अभी चीजें और अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी स्टेट हैव कंस्टिट्यूटेड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन थ्रो ऑफिशियल गेजेटेड नोटिफिकेशन ठीक है एंड कैन इंक्वायरी इंटू द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ओनली इन द रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट ध्यान ध्यान रखना रखना ये चीजें कि उस चीज पे काम करती है, जो पे है और जो कंकरेंट लिस्ट पे है तो सेंटर वाला जो चीजें होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बट स्टेट वाला जो चीजें होगा या फिर कंकरेंट वाला जो चीजें होगा जो सेंटर स्टेट दोनों का राइट होती है उस चीजों पे स्टेट जो है स्टेट ह्यूमन राइट जो है काम करती है ठीक है ध्यान रखना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर अफ एन हिज दस एस एस आर मतलब किसी भी प्रकार का चीजें हो रही है ठीक है किसी भी प्रकार का चीजें हो रही है स्टेट अपने हिसाब से कर रहा है तो उसके ऊपर इंटरफेयर भी कर सकता है और उसके साथ साथ मान लीजिए कि रिलेटेड अगर यूनियन टेरीटरीज से है तो वो जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है स्टेट को भी पावर दे सकता है कि यूनियन टेरिटरीज को भी वो डील कर सके ठीक है अब जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट तमिलनाडु बोर्ड का देख लीजिए ठीक है तो अब देखो कंपोजिशन की बात करता हूं पहले मैं देखो मैं एक साथ दोनों आप किताब में देखोगे कि दोनों अलग अलग टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट एंड स्टेट ह्यूमन राइट अलग अलग है तो मैं हमेशा यहां पर कोशिश किया हूं जब भी मैं प्रेसिडेंट किया हूं गवर्नर के बारे में बात किया हूं जब भी मैं प्रधानमंत्री की बात किया हूं तब चीफ मिनिस्टर की बात किया हूं जब भी पार्लियामेंट की बात किया हूं तब स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया हूं जब भी यूपीएससी की बात किया हूं तो है एसपीएससी की बात किया हूँ समझ रहे हो चीजें तो हमेशा मैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल तो हमेशा मैं इंटरलिंक करता हूं ताकि आप चीजों को समझ जाओ यहां पर दो अलग अलग टॉपिक आपको मिलेंगे किताब में नेशनल ह्यूमन राइट अलग होगा स्टेट ह्यूमन राइट अलग होगा हम बट दोनों को एक साथ ले रहे हैं चलिए हम अभी पहले बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द एनएचआरसी एनएचआरसी का कंपोजिशन मतलब गठन किस प्रकार से हुआ था एनएचआरसी का एनएचआरसी में टोटल पांच होते हैं टोटल कितने मेंबर्स होते हैं पांच मेंबर होते हैं ध्यान रखना प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो गिविग्नेशन टू द प्रेसिडेंट और तीन साल के लिए होता है और उनका लास्ट एज सेवेंटी रखना ये एक ऐसा पद है पोस्ट पोस्ट है जो कि जिसका लास्ट एज सेवेंटी होता है और कोई भी गवर्नमेंट पद नहीं है जिसका लास्ट एज जो है 65 फाइव ईयर होता एक एक तो है और ये एक ऐसा पद है फनी वे में कहा जाता है कि जो देश का जुडिशियल लेवल पे सबसे हाईएस्ट पद क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश का जुडिशियल लेवल पे सबसे हाईएस्ट पद क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो यहां पर जो चेयरमैन होने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना जरूरी है या फिर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है चेयरमैन होने के लिए ऐसे किसी को जो है यह पद नहीं दिया जा सकता यह बहुत रेस्पेक्टेड पद होती है बहुत डिग्निफाइड पद होती है और ऐसे पर्सन को दिए जाते हैं जो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो ध्यान रखना तो पांच मेंबर्स इट कंसिस्ट ऑफ चेयर देखो मल्टी मेंबर्स बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन एंड फाइव मेंबर्स चेयरपर्सन के साथ साथ फाइव मेंबर्स होते हैं एंड ऑल आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट All the 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 members of the NHRC are appointed by president president. and also they gave their resignations to राष्ट्रीय करते हैं और सभी सदस्य जो है त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं अब देखो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स में से थोड़ा सा बात कर लेता हूं चेयरपर्सन एंड मेंबर्स में से एक मेंबर तो होता है देखो पहला जो मेंबर होगा चेयरमैन जो होगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है और

तो रिटायर्ड सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ओजेएससी का मतलब है अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है देन उसके बाद मेंबर्स में देखो मेंबर्स में एक है एक सर्विंग और रिटायर्ड ओजेसी अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो आदर वो कंटिन्यू में हो सकता है या फिर जो रिटायर्ड हो सकता है ओजेएससी मतलब अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है उसके साथ साथ देखो ए सर्विंग और रिटायर्ड और सीजेएससी चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट तो किसी भी हाई कोर्ट का ध्यान रखना यहां पर जज नहीं है यहां पर चीफ जज है यहां पर जज नहीं है सीजे है ओजे नहीं है सीजे चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट जैसे कि हम लोगों के पास 25 फाइव कोर्ट है तो 25 फाइव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा हर हरेक का अलग अलग होगा उड़ीसा का अलग होगा दिल्ली का अलग होगा हमारे यूपी का अलग होगा ठीक है तो ध्यान रखना पहला है अदर जज अधर सुप्रीम कोर्ट से एक और चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट से एक उसके साथ देखो तीन पर्सन लिए जाते हैं जिनका कम से कम नॉलेज होना चाहिए और या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन ह्यूमन राइट संबंधित मतलब किसी भी बड़े लेवल पे काम किए हो ह्यूमन राइट से और जो तीन मेंबर से एक जो है महिला होना चाहिए आप देख सकते हो यहां पर थ्री पर्सन एट लिस्ट वन वुमेन तीन पर्सन में से एक जो है महिला होना चाहिए एंड हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट तो ह्यूमन मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए मतलब संबंधित उनको ज्ञान होना चाहिए मानव अधिकार संबंधित उनको ज्ञान होना चाहिए तो ध्यान रखना कि इट्स ए मल्टी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरमैन एंड फाइव मेंबर्स चेयरमैन जो है कोई भी रिटायर्ड सीजीआई और ओ ये ये सवाल आते हैं ध्यान रखना ओ एंड मेंबर्स जो है और सबको अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड गिव रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट एंड मेंबर एक है ओ अदर एस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दूसरा जो है सीजे सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और तीन मेंबर में से उनको नॉलेज होना चाहिए उसमें से एक महिला होना चाहिए दिस इज द कंपोजिशन अबाउट द एन ध्यान रखिए एक चीज़ ठीक है और एक चीज देखिए कंपोजिशन में कि सेवन एक्सअी मेंबर्स होते हैं अब बात आती है कि ये जो सेवन एक्सअी मेंबर कौन कौन होते हैं ठीक है सेवन एक्सपीसो मेंबर जो है कौन कौन होते हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है देखो कौन कौन होते हैं देखो चेयर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ठीक है सात जो मेंबर में से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक संबंधित राष्ट्रीय आयोग के जो है चेयरपर्सन होते हैं ठीक है उसके बाद जो है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल्ड कास्ट के जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर एस टी हो गए दूसरा देखिए नेशनल कमीशन फॉर एस ठीक है शेड्यूल ट्राइब के नेशनल कमीशन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एस उसके बाद देखो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं के लिए जो महिलाओं के लिए होती है ठीक है नेशनल कमीशन राष्ट्रीय आयोग होती है महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय आयोग तो उसके चेयरपर्सन जो है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बीसी का मतलब यहां पर बैकवर्ड क्लासेस चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशनवर्ड क्लासेस ठीक है उसके बाद देखिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ठीक है ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में बात की चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट उसके बाद देखियो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिजिलिटी ठीक है जो जीप चीफ कमिश्नर होते हैं किसके डिजाबिलिटी के मतलब चीफ चीफ कमिश्नर for the person with a disability to तो ध्यान रखना ये सात एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं मतलब मान सकते हो कि ये जो सात डिपार्टमेंट ये जरूरी चीज है आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका तो पहला चीज है देखो माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज का मतलब क्या है अल्पसंख्यक है ठीक है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक है। मैंने बताया था आप लोग कई बार बताया है कि धर्म के आधार पर जिनका संख्या कम है उसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कहा जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में सिक्स मेजर रिलीजन आर देयर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हिंदू का परसेंटेज 81.4 परसेंट है तो उनको छोड़ के बाकी जो पांच रिलीजन है दे आर कमिंग अंडर द माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक उनको कहा जाता है जिसमें मुस्लिम्स आते हैं क्रिश्चियन आते हैं सिख आते हैं बुद्धिज्म आते हैं जैनिज्म आते हैं क्लियर है पॉइंट नेशनल कमीशन फॉर एस सी शेड्यूल कास्ट के लिए जो कमीशन बना है मतलब जो कास्ट रिजर्वेशन के हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर एस टी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो बना है दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस ये भी तो बैकवर्ड क्लासेज तो बैकवर्ड क्लासेज एस सी एस टी बैकवर्ड क्लासेज जो है उनके लिए रिजर्वेशन बना है देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं के लिए जो बना है राइट right, उसके साथ साथ देखो चाइल्ड राइट right की हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट देन उसके बाद जो है पर्सन विद द डिजेबिलिटी तो ये सब जो है सभी के चेयरपर्सन ध्यान रखना सभी के अलग अलग चेयरपर्सन होते हैं जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनिटीज के अगर चेयरपर्सन होंगे एस सी के अलग होंगे एस टीज के अलग होंगे तो ये जो सात डिपार्टमेंट है आप देख सकते हो फर्स्ट माइनिटीज हो गया सेकेंड एस हो गया थर्ड जो है एस हो गया देन उसके बाद जो है फोर्थ जो है वुमेन हो गए फिफ्थ जो है बैकवर्ड क्लासेस हो गए सिक्स जो है चाइल्ड राइट right, और सेवन जो है डिजेबल्टी तो ये जो सात सेवन एक्स ऑफिशियल मेंबर सबके चेयर पर्सन जो है यहाँ पर शामिल किए जाते हैं ये चीजें ध्यान जरूर रखना उसके साथ साथ देखो और एक चीज मैं बता दू ठीक है कि यहाँ पर जो है सिक्स मेंबर की कमेटी भी बनाया जाता है ठीक है

लोकसभा सेकेंड मेंबर्स हो गए मतलब प्राइम मिनिस्टर देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गए दो मेंबर हो गए थर्ड नंबर मेंबर जो है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन हो गए देन लीडर ऑफ द ऑपोजिशंस बोध हाउस मतलब लोकसभा को रेकमेंड करते हैं यह क्वेश्चन भी आता है ध्यान तो चेयरपर्सन एंड में प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट को रेकमेंड कौन करता है सिक्स मेंबर की कमिटी रिकमेंडेशन करता है सिक्स मेंबर की कमेटी में ध्यान रखना फर्स्ट मेंबर जो हेड है उस मेंबर की कमेटी फर्स्ट मेंबर जो हेड है, है प्रधानमंत्री अभी जो है नरेंद्र मोदी साहब उसके बाद जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा ध्यान रखना लोकसभा के स्पीकर सेकंड मेंबर्स एंड ध्यान रखना यहां पर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं है छह मेंबर में से चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट नहीं है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं है बट ध्यान रखना यहां पर क्या है डेपुटी ध्यान रखना डेपुटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है डेपुटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है ये चीजें ध्यान रखना ये थर्ड नंबर मेंबर में आएंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशंस इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देखो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है लीडर ऑफ द ऑपोजिशंस ऑफ लोकसभा एज वेल well एज राज्यसभा राज्यसभा का भी लीडर होंगे और लोकसभा का भी लीडर होंगे ठीक है क्लियर है पॉइंट तो चार पांच मेंबर हो गए और एक है होम मिनिस्टर्स सेंट्रल होम मिनिस्टर ठीक है तो ध्यान ध्यान देखिए प्रधानमंत्री तो उसके बाद जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा बट ध्यान रखना चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं होते हैं डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं बट दोनों सदन के लोकसभा और राज्यसभा के लीडर्स होते हैं लोकसभा के लीडर राज्यसभा के लीडर बोथ द ऑपोजिशन लीडर उसके बाद जो है होम मंत्री गृह मंत्री होते हैं तो दीज आर द पर्सन हु रिकमेंड प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स इन द एनएचआर सी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्लियर है पॉइंट अब देखो उनका जो टेन्यर की अगर मैं बात करूं टर्म्स की बात करूं वो तीन साल होता है और लास्ट एज की बात करूं सेवेंटी इयर्स होता है ये ऐसा ही पद है गवर्नमेंट का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है और सबसे लास्ट एज सेवेंटी इयर्स उससे ज़्यादा एज कोई है नहीं तो ध्यान रखना उनका टर्म्स कितना साल है बेटा तीन साल का होती है उनका टर्म्स लास्ट एज कितना है सेवेंटी ईयर्स मतलब विच एवर इज यरलियर मतलब जो पहले हो जाए ठीक है जो पहले हो जाए मान लीजिए कोई सिक्सटी नाइन ईयर में अपॉइंट हुए हैं तो ओबियसली बेटा उस केस में तीन साल नहीं हो पाएगा उस केस में क्या है एक साल होगा सत्तर तो हुई चेबरीज ईयरलीयर ठीक है एंड ये इसीलिए इतना इतना साल रखा गया उसका रीज़न ये है बेटा कि आम तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायरमेंट एज कितना होती है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट एज कितना होती है 65 फाइव में होती है तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए रिटायर है ना तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस सब पैंसठ के बाद ही होंगे तो इसीलिए उसका एज जो है सत्तर रखा गया समझ में आए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिटायरमेंट है जो होती सिक्सटी फाइव और यहां पर चेयरमैन होने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना जरूरी है इसीलिए उसको थोड़ा सा एज बढ़ा दिया गया ठीक है तो ये जो फर्दर ए सिटिंग ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ध्यान रखना द सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस है सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट है उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके कंसल्टेशन पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे बट किन से कि, 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 किनके कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट में ही करेंगे उनका अपॉइंटमेंट ठीक है क्लियर है पॉइंट उसके बाद और एक चीज है देखिए आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट जो जितने भी मेम्बर्स हैं यहाँ पर कि सारे जो है री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं बट ध्यान रखना किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो अपॉइंटमेंट नहीं हो नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बट ध्यान रखना किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वो एलिजिबल नहीं होते तो ध्यान रखिए एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट मतलब हो सकते हैं यहाँ पर बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का वो कहीं पर एलिजिबल नहीं होता है बट यहां पर रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं क्लियर है पॉइंट देन उसके बाद देखो किस कंडीशंस में राष्ट्रपति जो है ये मेंबर्स को हटा सकते हैं किस कंडीशन में राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा सकते हैं व्हाट आर द कंडीशंस ऐसा नहीं है कि मतलब दे आर नॉट लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कि दे कैन अपॉइंट और रिमूव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे दे ऐसा भी नहीं है कि दे कैन रिमेन इन द ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना उसको हटाने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है मतलब हटेना हटाने का जो तो प्रोसीजर है इनफैक्ट दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द यू पी एस सी मेम्बर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को जिस प्रकार से राष्ट्रपति हटाते हैं तो ऑलमोस्ट दैट इज सिमिलर यहां पर भी जो एन के मेंबर को भी उस तरीके से ही हटाते हैं ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर है देखो पहला चीज क्या है किस कंडीशन में हटा सकते हैं पहला चीज है कि अगर इफ ही एडजर्ज इनसोल्वेंट इंसॉलवेंट ठीक है मतलब बैंक में चले गए हैं ठीक है, है? बैंक में चले गए तो उनको हटना पड़ेगा उसके बाद सेकेंड थिंग है पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस मतलब किसी भी प्रकार का करप्शन केस में इन्वॉल्व है करप्शन केस में इन्वॉल्व है तो उनको हटा दिए जाएंगे उसके बाद देखिए उनका जो इन्फर्मिटी ऑफ द माइंड एंड बॉडी मतलब किसी भी प्रकार का मेंटली वो फिट नहीं बैठते हैं ऑफिस के लिए तो या फिर अच्छा मतलब वो फिट नहीं है फिजिकली भी या फिर ऑन साउंड माइंड अगर वो मान लीजिए कि इफ़ इज़ अपन साउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कंप्लीट मतलब कोर्ट के हिसाब से अगर अनसाउंड पागल घोषित किए गए हैं या फिर किसी भी प्रकार का मेंटली हालत ठीक नहीं है तो भी हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का गलत काम किए हैं और इम्प्रिजमेंट हुआ है ठीक है इफ़ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू द इम्प्रिजमेंट फॉर एन ऑफेंस किसी भी प्रकार का गलत काम किए हैं उसके बाद मतलब होते वक्त वो इम्प्रिजमेंट में है तो उनको हटाया जा सकता है क्योंकि ये सब जो है बड़े डिग्निफाइड पद होती है बड़े रेस्पेक्टेबल पद होती है चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे जजेस हो, चाहे एन एच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्योंकि ये जो है लोगों को न्याय देने वाले लोग होते हैं मतलब समझ लो चीजें मतलब मतलब एक तरफ से राजा महाराज पहले हुआ करते थे तो ये लोगों को न्याय देने वाले होते तो ये लोग पहले अच्छा होना चाहिए तब जाके लोगों को दे सकते हैं इसीलिए इस पद का गरिमा भी ज्यादा है इस पद पथ का जो रेस्पेक्ट है डिग्निटी है वो भी ज्यादा है इसलिए इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है बट एक चीज ध्यान रखना कि मिसबिहेव के, के केस में डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते मिसबिहेव के, के केस में रेफर होता है सुप्रीम कोर्ट को एंड वाट एवर द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट वॉज कंसिडर टू बी द फाइनल ठीक है अगर मिसबिहेव का केस होती है तो दैट इज रेफर टू द किसके पास रेफर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है प्रेसिडेंट को मानना होता है जिस लाइक यूपीएससी का मेंबर वन सेकंड सेम यूपीएससी का मेंबर भी सेम था तो यहाँ पर अगर कि बैंकप्सी हो गए या फिर करप्शन केस में इन्वॉल्व हैं या फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑन साउंड माइंड इम्प्रिजनमेंट उसके साथ मिसबिहेवियर की तो ये सब केस में क्या है डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा सकते हैं बट रिलेटेड टू तो द मिसबिहेवियर ऑफ़ दा, द मेंबर ऑफ द एन एच आर सी दैट केस रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा दैट इज मतलब उसको मतलब मस्ट मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को उसके बाद प्रेसिडेंट अपना डिसीजन नहीं दे सकते ठीक है वंस इट रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट व्हाट आर द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट वाज द फाइनल बट अदर केसेस में प्रेसिडेंट अपना डिसीजन ले सकते हैं मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है और एक चीज देखिए यहाँ पर द सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द चेयरपर्सन और द मेम्बर्स आर डिटर्मिन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो सैलरी एंड अलाउंसेस जो है कौन डिटर्मिन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिटर्मिन करता है ऑब्वियसली बात है एंड ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से अन में अपने मन मुताबिक के हिसाब से अपने हिसाब से कुछ भी कर दें तो कैन नॉट बी वेराइट टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट करने के बाद ऐसा भी ना होना चाहिए कि अपने हिसाब से उनको मोल्ड कर दें अपने सुविधा के अनुसार उनको बनाएं तो ये जो है हमेशा उसका जो सैलरीज होगा जो अलाउंसेस होंगे कंडीशन ऑफ सर्विस होगा ये केंद्रीय सरकार जो है निर्धारित करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है निर्धारित करते हैं ठीक है एंड ये रखा गया है आमतौर पर कि ऑल द प्रोविजन आर मेड एट सिक्योरिंग ऑटोनोमी इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये सब चीजें कोशिश की गई है कि उनको एक अलग से पावर दिया जाए उनको इंडिपेंडेंट रखा जाए किसी के दबाव में ना आए किसी के फोर्स में ना आए क्योंकि ये भी एक तरफ से मान सकते हो कि जुडिशियल चीजें हैं कि ये भी एक तरफ से जो है लोगों को जज करने मतलब जज करके ही देने वाला चीज़ें हैं तो यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है जो डिग्निटी है जो रेस्पेक्ट है लोगों का ज़्यादा होना जरूरी भी है उस हिसाब से उनको जजमेंट देना जरूरी है पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए शुड बी इम और उसको इंडिपेंडेंट तो ये सब रखा रखा गया है ताकि जजमेंट जो है बेहतर से बेहतर दिया जा सके आप देख सकते हो हमारे साहब जस्टिस एच एल दत्तू साहब जो चीफ जस्टिस दो फॉर्मर सीजीआई थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फॉर्मर सीजीआई थे तो अब जो है वो चेयरपर्सन ऑफ एन एच आर ह्यूमन राइट कमीशन के वो हैं अभी जो है चेयरपर्सन है एच एल दत्तू साहब एच एल दत्तू साहब पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे क्योंकि मैंने बताया था चेयरपर्सन के लिए क्या चाहिए रिटायर्ड सी जी आई एलिजिबिलिटी चाहिए क्लियर है अब देखो उसके साथ साथ ये मैंने बात की थी आप से लोगों से कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कंपोजिशन अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि स्टेट ह्यूमन राइट का मतलब कंपोजिशन क्या है स्टेट ह्यूमन राइट का कंपोजिशन क्या है ठीक है ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है बट एक चेयर जैसे कि वहां पर एक चेयरमैन थे फाइव आर द अदर मेंबर्स थे एन में यहां पर एक चेयरपर्सन होते हैं टू आर अदर मेंबर्स होते हैं और वहां पर चेयरपर्सन के लिए क्या चाहिए था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए यहां पर क्या चाहिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए क्लियर है पॉइंट तो यहां पर देख लीजिए कि यहां पर जो है मल्टी मेंबर बॉडीज में एक होता है चेयरपर्सन होते हैं और टू मेंबर्स होते हैं टू मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन में आप देख सकते हो यहां पर देखो यहां पर सारे मेंबर्स को अपॉइंटेड एंड रेजिग्नेशन कौन करते हैं ध्यान रखना गवर्नर करते हैं गवर्नर तो ध्यान रखना जैसे कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ऑल द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो दे गेव द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट बट हियर ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड दे ऑल्सो गेव द रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ये चीजें ये डिफरेंस है बस बाकी और मेंबर क्या था वहाँ पे चेयरपर्सन था और मेंबर यहाँ पे क्या था पांच थे और यहां पर चेयरपर्सन देखो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था और अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट तो हाईकोर्ट पर क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट था ये ये हाई कोर्ट हो जाएगा सिंपल सी बात है थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप और मेम्बर्स में देखिए कि ए सर्विंग और रिटायर्ड ओजेसी आइदर सर्विंग में हो या फिर रिटायर्ड हो सके ओ अदर जजेस ऑफ द हाईकोर्ट ओ जे का मतलब अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट उसके बाद देखिए और ए डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विद मिनिमम सेवन ईयर आइदर कोई डिस्ट्रिक्ट जज भी हो, हो सकता है इन इन ए स्टेट विद द मिनिमम सेवन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के हिसाब से सेवन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सपीरियंस एज ए डिस्ट्रिक्ट जज एंड पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस या फिर उसको ह्यूमन राइट right से संबंधित जो है ज्ञान होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन राइट right से संबंधित ज्ञान होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए क्लियर है देन उसके बाद जिस प्रकार से मैंने बताया था कि दिस वॉज अपॉइंटेड बाय द नैना चासी को अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट उनको रेकमेंड करते थे सिक्स मेंबर में से जैसे कि प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओपोजिशन के दो लीडर होम मिनिस्टर ये सब तो यहां पर भी जो है जो यहां पर भी सिक्स मेंबर होते हैं जो कि गवर्नर को रेकमेंडेशन के देते हैं हालांकि मेंबर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर का है रेजिग्नेशन भी गवर्नर ही देते हैं बट उनको रेकमेंड यहाँ पर भी छह मेंबर होते हैं यहां पर सिक्स मेंबर में से आप देख सकते हो तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर मैंने बताया था अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ऑल्सो टू द गवर्नर बट उनको रेकमेंड देने के लिए कितना होता है सिक्स मेंबर की कमेटी होते हैं ध्यान रखना ये सिक्स मेंबर की कमेटी यहां पर थोड़ा सा याद कर लिया जाए जैसे कि वहां पर चीफ मिनिं पर प्राइम मिनिस्टर था तो प्राइम मिनिस्टर के जगह पे सिक्स मेंबर में से यहां पर कौन है बेटा सीएम है चीफ मिनिस्टर है मतलब एक्जेक्टली सिमिलर होती है थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंजेस होती है एज इट्स हेड ऑबियसली देन उसके बाद देखो वहां पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा था यहां पर क्या है स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्पीकर ऑफ द विधानसभा सिंपल सी बात है स्पीकर ऑफ द विधानसभा उसके बाद देखो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट एंड द स्टेट होम मिनिस्टर्स तो यहां पर तो लीडर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा के वो ऑपोजिशन का लीडर भी हो सकते हैं ओपोजिशन ऑफ द विधानसभा भी हो सकते हैं ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड उसके साथ साथ स्टेट होम मिनिस्टर जो हैं वो हो सकते हैं स्टेट होम मिनिस्टर ये तो हो गया मतलब जहां पर विधानसभा है बट कुछ स्टेट जो है बाई केमरल है जैसे कि कुछ स्टेट में केवल जो है यूनिकेमरल है यूनिक एमरल का मतलब है केवल एग्जिस्टेंस विधानसभा बट कुछ स्टेट ऐसा है जहां पर विधानसभा भी है विधान परिषद भी है जैसे कि मैंने बताया था जैसे कि महाराष्ट्र है जैसे कि बिहार है जैसे कि यूपी है यहां पर विधानसभा भी है विधान परिषद भी है ठीक है मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूं ठीक है टी बी उखाम जे यू के ए एम पहले ये हुआ करता था जुखाम टीबी जुखाम तो ये सब जहां पर बाई कैमरल है टी फॉर तेलंगाना बी फॉर बिहार यू फॉर उत्तर प्रदेश के फॉर कर्नाटका ए फॉर आंध्र प्रदेश और एम फॉर महाराष्ट्र यहां पर विधानसभा विधान परिषद भी है तो जहां पर विधान परिषद है मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है हाँ, हा तो मैं बात कर रहा था जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ठीक है वहां पर भी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ठीक है जैसे कि चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड ऑल्सो लीडर ऑफ अपोजिशन अपोजिशन का लीडर मतलब जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ द मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द एनएचआर से वहां पर खाली फर्क था, था।, था कि यहां पर जो जैसे कि वहां पर क्या था राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन था यहां पर डिप्यूटी नहीं है चेयरमैन है बस इतना सा फर्क था बाकी सब चीजें सिमिलर है ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना फिर से बता रहा हूं कि चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑलसो गिव रेजिग्नेशन टू द गवर्नर गवर्नर को जो रिकमेंड करने के लिए छह मेंबर होते हैं छे मेंबर में से पहला मेंबर है सीएम चीफ मिनिस्टर दूसरा मेंबर है सिंपल है लोकसभा का हेड उसके साथ साथ ओपोजिशन ऑफ द लोकसभा अगर विधान और होम मिनिस्टर और उसके साथ विधान परिषद भी है तो विधान परिषद का हेड चेयरमैन और विधान परिषद का ओपोजिशन का लीडर सिंपल सी बात है ठीक है देन और यहां पर भी जैसे कि वहां पर जो टर्म था कितना साल था तीन तीन साल था और लास्ट एज कितना था सत्तर यहां पर भी सेम है तो टर्म्स की अगर बात करें स्टेट ह्यूमन राइट का थ्री इयर्स है और यहां पर भी लास्ट एज कितना है सेवेंटी इयर्स से. है विच एवर इज यर जो मैंने बताया था आप लोगों को जो दोनों में से पहले हो दोनों में से पहले हो ठीक है और फर्दर द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट मतलब जो सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट हैं हाई कोर्ट में जो जज हैं सिटिंग जज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं कैन भी उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके कंसल्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्ट पे उनको किया जा सकता है क्लियर है पॉइंट और यहाँ पर भी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट उनका भी जो है दोबारा री अपॉइंटमेंट होती है बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन एनी सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट तो यहाँ पर भी जस्ट लाइक एन तो यहाँ पर भी उनका भी होता है कि रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो इस फील्ड में तो हो सकते हैं एनएचआर फील्ड में या स्टेट ह्यूमन राइट की फील्ड में रीअपॉइंटमेंट हो सकती है बट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे पद में ये फिर से नहीं हो सकते ठीक है ये है कंपोजिशन और उनको हटाने का जिस प्रकार से सेंट्रल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हटाने का जो प्रोसीज्यूर था एग्जैक्टली सेम प्रोसीज्यूर है यहां पर भी होती है तो किस कंडीशन में जो है उनको हटाया जा सकता है ठीक है यहां पर जो है गवर्नर होगा गवर्नर होगा यहां पर गवर्नर कैन रिमूव इन फॉलोइंग कंडीशन पहला चीज है कि इंसॉल्वेंट इंसॉलमेंट मतलब बैंक ठीक है उसके बाद जो है किसी भी प्रकार का करप्शन केस में इन्वॉल्व है इफ़ एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ इस ऑफिस तो उनको हटाया जा सकते हैं उसके साथ साथ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी किसी भी प्रकार का है उसके साथ साथ अनसाउंड माइंड है अगर कुछ कुछ भी अनसाउंड माइंड है या फिर वही चीज़ें जो इम्प्रिजमेंट किसी भी प्रकार का मतलब ड्यूरिंग द ट्रेनोअर वो कुछ गलत काम करते हैं और उनको जेल हो जाती है इम्प्रीजमेंट में रहते हैं तो उनको हटाया जा सकता है क्लियर है पॉइंट एंड यहाँ पर भी जो सैलरी सैलरीज अलाउंसेज एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस जैसे कि एनएचआरसी का कौन था स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट होता है तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर देखो उनके जो सैलरीज हैं ठीक है उसके साथ साथ जो अलाउंसेज हैं उसके साथ साथ जो सर्विस कंडीशन है कंडीशन ऑफ द सर्विस है यह कौन डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट और उनका क्या था एन का सेंट्रल गवर्नमेंट था ठीक है ये भी अपने फेवर के हिसाब से एक बार अपॉइंटमेंट करने के बाद अपना मतलब कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट करने के बाद अपने फेवर के हिसाब से कर सकते हैं वो जैसा सर्विस कंडीशंस था अलाउंसेस था सैलरी था वही रहेगा क्लियर है पॉइंट तो ये चीजें सेम चीजें जो मैंने बताया था कि ऑटोनोमस इंडिपेंडेंस और इंपार्शियलिटी करने के लिए कि ताकि ऑटोनोमस बना रहे एक इंडिपेंडेंट बना रहे इंपार्शियल बना रहे ताकि लोग उनको रेस्पेक्ट करें और सही से डिसीजन लेने का जो काम कर सके ठीक है देखो अब चीजें जो है फंक्शन ऑफ एन में देखो हाँ, पहला चीज है फंसन में आप देख सकते हो यहां पर सिंपल सिंपल चीज है तो किसी भी प्रकार का आप सुन लो पहले ठीक है जो चीजें लिखा गया है उसको तो देख लेना तो किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट right से वायलेशन होती है मैंने अभी बताया था एट्रोसिटी हो सकता है एसटी का रिजर्वेशन हो सकता है एससी का हो सकता है महिलाओं के आरक्षण हो सकती है चाइल्ड एक्ट हो सकती है डिजाबल पर्सन का जो एक्ट राइट right हो सकती है तो किसी भी प्रकार का खनन हो रहा है तो आप कर सकते हो उसमें जो है प्रोसीडिंग कर किया जा सकता है इन केस कभी कभी जो है जेल के अंदर जो रहते हैं कैदी रहते हैं ऐसा तो नहीं कि उनको खाना जो है बहुत ख़राब दिया जा रहा है उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया रहा है अननेसेसरी अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी देख करने का बीच बीच में जा देखने का वो ये भी अधिकार होती है उसके साथ साथ रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ द टेररिज्म ठीक है उसके साथ साथ स्टडी टू स्टडी द ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन द ह्यूमन राइट एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें होती है उसको भी करके किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए किस प्रकार का चेंजेस किया जाए उसके बारे में बात की जाती है देन अंडरटेक एंड प्रोमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट एंड स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी मतलब कोशिश की जाती है कि जो मानव का अधिकार है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्प्रेड किया जाए ताकि लोग जो है उस चीज़ का मतलब एवे और जो भी मतलब एवर रहें और जो भी एन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहे हैं उनको भी जो है एन की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है वो उसको मतलब पूरी तरह से सपोर्ट करता है और सेम चीज़ जो है स्टेट एन का भी सेम चीज़ काम है जो मैंने अभी बताया था ठीक है अब देखो वर्किंग हेडक्वार्टर्स हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है बेटा दिल्ली में है ठीक है कैन ऑल्सो एस्टाब्लिश ऑफिस एट द अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया दूसरी जगह पे भी वो कर सकते हैं ठीक है एंड वेस्टेड विद द पावर रेगुलेटेड इट्स ओन प्रोसीजर एंड हैज ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट इट्स प्रोसीडिंग हैव जुडिशियल कैरेक्टर ये चीज़ें देखो कि उसका जो प्रोसीडिंग है जुडिशियल करेक्टर है उनको पावर दिया गया है जुडिशियल केस का हालांकि उनको पनिशमेंट देने का पावर नहीं है ठीक है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है पनिशमेंट देने का पावर है उनका एनएचआरसी का पनिशमेंट देने का पावर नहीं है यह केवल सुझाव दे सकता है रेकमेंडेशन दे सकता है और यह रेकमेंडेशन भी जो है तुरंत देना पड़ता है ऐसा नहीं है एक रिकमेंडेशन जो है मतलब सालों साल तक रह रहा है तो ये रिकमेंडेशन देता है बट उसको पनिशमेंट या किसी भी प्रकार का मतलब करने का अधिकार नहीं है आप देख सकते हो ये बिल्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ठीक है दिल्ली में देन उसके साथ देखो そう。<laughs> मेक कॉल फॉर इंफॉर्मेशंस और रिपोर्ट फ्राम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज़ सबोर्डिनेट दॉप्टर एंड हैज़ इट्स ओन न्यूकुलस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेशन टू द कंप्लेट ऑफ ह्यूमन राइट और वायलेशन मतलब किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होती है किसी भी प्रकार का चीज़ें हैं अपना उनका जो स्टाफ है उसके ऊपर जो है वो देख रेख कर सकते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार भी है कि किस प्रकार से वो सही में कुछ हनन तो नहीं हो रहा है कुछ वायोलेशं तो नहीं हो रहा है ठीक है तो ये कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से चाहे एन के हिसाब से हो चाहे पर्सनल लेवल पर हो चाहे इन्वेस्टिगे एजेंसी के हिसाब से हो कोशिश की जाती है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर पूरी तरह से लोगों को सही ह्यूमन राइट से मतलब मतलब उनका राइट दिया जाए और ऐसा नहीं है कि मतलब 10 साल पहले ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था 20 साल पहले हुआ था आज का वेरिफिकेशन ह्यूमन राइट आज करेगा ऐसा नहीं होता है मतलब कम से कम एक साल के अंदर होना चाहिए देखो नॉट एम टू इंक्वायरी इन टू एनी मैटर्स आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ वन ईयर एक साल खत्म होने के बाद उस केस को आमतौर पर उस चीज पे ह्यूमन राइट right काम नहीं करती दस साल पंद्रह साल बीस साल ये सब नहीं करती ध्यान रखना ये चीजों पे ठीक है उसके साथ साथ और एक चीज मैं बता देता हूँ चीजें जो उस चीज पे अब तक काम किए हैं ह्यूमन राइट वाले जो काम किए हैं वो चीज़ें पहले बता देता हूँ मैं ठीक है हालांकि आप देख सकते हो लास्ट ईयर 2019 में अक्टूबर 2019 में ठीक है आप देख सकते हो फाउंडेशंस डे ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ठीक है ये पिक्चर आप देख सकते हो ठीक है अमित शाह के साथ हैं ठीक है देन उसके बाद देखो अब देखो परफॉर्मेंस जो किया गया है अब तक जो परफॉर्मेंस ऑफ एनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर देता हूं परफॉर्मेंस ऑफ उनके परफॉर्मेंस के बारे में किस किस चीज़ में थोड़ा सा आपको आइडियाज़ हो जाएगा सिंपल सिंपल चीज़ ये हालाँकि देखो कि अब तक जो एन का जो परफॉर्मेंस रहा है देखो एवोल्यूशन ऑफ़ द बॉन्डेड लेबर द बंदुआ मजदूरी होते हैं बॉन्डेड लेबर का मतलब बंधुआ मजदूरी होते हैं जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि छः बजे से लेकर ग्यारह सुबह छः बजे से ग्यारह बजे तक काम करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलता केवल खाने के लिए दे दिए जाते हैं उनको काम कर दिए जाते हैं और मजबूरी में उनको भी कोई जॉब नहीं मिलता कोई काम नहीं मिलता तो उनके साथ काम करते रहते तो दीज आर नॉन एज बॉन्डेड लेबर बधुआ मजदूरी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की गई थी फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल्स एट रांची आगरा एंड ग्वालियर जो मेंटल हॉस्पिटल है रांची में है आगरा में है ग्वालियर में है ठीक है उ, उ, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कहीं जो जहाँ पर वहाँ पर मतलब वहाँ पर थोड़ा सा मेंटल वाले लोग रहते हैं कहीं उनका तो कुछ मतलब प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे हैं उनको देख रहे करना या फिर जेल के अंदर भी जो कैदी रहते हैं उनको भी देख करना ये काम होती है फंक्शन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम वुमेन आगरा जो कि महिलाओं के लिए जो चीजें हैं ठीक है फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम जो महिलाओं के लिए है आगरा में है उनसे रिलेटेड इशू कंसर्निंग राइट टू द फूड फूड से कोई मतलब खराब तो नहीं हो रहा है चीजें ठीक है एंड उसके साथ साथ रिव्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज रिव्यू ऑफ द चाइल्ड मेरेज द स्ट्रेन एक्ट 1929 तो चाइल्ड मेरेज एक्ट जो हुआ था उसके ऊपर भी देखना

सीटीसेसन देन उसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ द सेक्स टूरिज्म ट्राफिकिंग देन मैटरनल एनिमिया ह्यूमन राइट्स रिहेबिटेशन ऑफ द डेस्टिट्यूट उमेन इन द वृंदावन देन उसके बाद जो है कंबेटिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द उमेन एट द वर्क प्लेस हरासमेंट ऑफ द उमेन पैसेंजर इन द ट्रेन एवोल्यूशन ऑफ द मैनुअल स्केवनिंग दलित इश्यूज इंक्लूडिंग द एट्रोसिटीज़ ठीक है तो ये सब चीज़ों पे प्रॉब्लम्स फेस बाय द डी डी नोटिफाइड एंड दॉर्मेडिक ट्राइब्स डिजेबल पर्सन की बात राइट टू हेल्थ देन पर्सन अफेक्टेड बाय एच एड्स रिलीफ वर्क विक्टिम 19 नाइनटीन उड़ीसा में साइक्लोन तो ये सब चीज़ें जो है बहुत जो है एन का अपना काम जो है करते हैं मतलब ऑलमोस्ट जो है इस सब चीज़ों पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज़ें मैंने इतना बताया कि आपको आइडियाज लगे कि एन किस चीज़ पे काम करती है ये सब एक आइडिया था अब तक जो जिस चीज़ पे काम किया उसके बारे में थोड़ा सा रॉफली आइडिया था सो इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनएचआरसी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है ये सफिशियंट है ये हालाँकि छोटे से टॉपिक होते हैं किताब में दो तीन पेज के होते हैं छोटे से टॉपिक होते हैं इतना सफिशियंट होता है ठीक है सो थैंक यू ऑल हैवे नाइस डे टेक केयर